इस जमाने की वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इन्वेंशंस क्या है? इंटरनेट। बोत्सवाना में रोड्स नहीं है लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। बुलंदशहर में पानी आए ना आए लेकिन इंटरनेट जरूर आएगा। और अनलेस आप एक कुएं के मेंढक हैं, आपको गूगल प्लस, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के बारे में जरूर पता होगा। दुनिया छोटी होती जा रही है एंड आवर टीनेजर्स आर गेटिंग बिजियर। अपनी उंगलियों के बल पे वर्ल्ड डोमिनेशन की तैयारी। एक वक्त ऐसा था जब हम अपनी फीलिंग्स अपने करीबी दोस्त या अपनी फैमिली के साथ ही शेयर करते थे, लेकिन आज फीलिंग तो बाद में आती है, पहले उसका स्टेटस अपडेट फेसबुक पे पहुंच जाता है। इंटरनेट पर एक क्लिक के साथ आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। लाइफ हैज बिकम दैट कन्वीनियंट। ये वर्चुअल वर्ल्ड आज हमारे रियल वर्ल्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आवर वर्चुअल वर्ल्ड हैज एक्चुअली ओवरटेकन द रियल वर्ल्ड। बट इज इट ऑल गुड? या फिर इस वर्चुअल वर्ल्ड के रियल ट्रबल्स हमसे छुपे हुए हैं? हम आपको इस वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाना चाहते हैं, बट विद सम कॉशन, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब के जाल में फंसना बहुत आसान है और इसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग। ये कहानी है उन यंगस्टर्स की जिनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक दैट दे मेड ऑन द वेब। देहरादून इज अ स्मॉल क्वेंट टाउन, मगर यहां पर इंडिया के बेस्ट स्कूल्स हैं। स्टूडेंट लाइफ इज रियली फन, लेकिन बड़े शहरों के टीन्स की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दून की वैली की तरह इट्स सिंपल, स्वीट एंड फन। दिव्या, दिव्या क्या कर रही हो? स्कूल के लिए देरी नहीं हो रही? हाँ मॉम, बस 2 मिनट्स मॉम, आई एम ऑलमोस्ट डन। दिव्या शर्मा एज 17, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। इनके रियल फ्रेंड्स हैं 100 और वर्चुअल फ्रेंड्स हैं 450। दीदी कितना और टाइम, खोलोगे कि नहीं? क्या है, क्यों चिल्ला रही इतना? दिमाग की शॉर्ट मत करो, स्कूल जाना है, लेट हो रही हूँ और वैसे भी आपका दिमाग शॉर्ट ही है। दिव्या फैमिली की किडो थी, वो अपने दीदी के साथ रूम शेयर करती थी और उस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब पूरे रूम पर सिर्फ उसी की चले। अंकिता शाह दिव्या की बेस्टी जब से वो दोनों 3rd स्टैंडर्ड में थे। दिव्या Hi, now it's my turn. Okay, listen, Neha has updated the status. मैंने उसपे like और comment किया. तू भी कर. Okay, ठीक है. Login तो करने दे. जल्दी कर. अरे रुक रुक. देख तो सही. Okay, wait. ये by the way, तूने तेरी birthday के क्या plans बनाए कल? No plan जा. How boring दिव्या, कल तेरा birthday, we're not doing anything. कल कुछ plan कर लेंगे. We'll figure out something. Listen, वो school के बाजू में नया restaurant खुला है ना, let's go there. Ah, perfect. Let's do that. अच्छा लेकिन ये देखना, I'm not being too rude to her. Yeah, you crazy, don't write that. Okay, ठीक है, I'll be sweet. A very good morning to one and all present here. Today's news headlines are, many government officials have been embarrassed in the 2G scam, including some top men in the cabinet. The rupee is at a decimal loss and it's getting more expensive to study abroad. Thank you and have a nice day. Now, Aditya Singh will take national pledge. Take pledge position. Aditya Singh, school ka head boy or virtual hero? Teachers ka bhi favorite or students ka bhi? India is my country. And all Indians are my brothers and sisters. And all Indians are my brothers and sisters. Except one. Except one. I shall give my parents, my teachers, and my elders all the respect. And I shall give my parents, teachers, and all elders respect. And treat them with courtesy. And treat everyone with courtesy. Aditya, क्या कर रहे थे तुम? What was that? मैम, sorry, लेकिन मैं सबको बहन नहीं बना सकता हूँ. Tension हो जाएगा. Just shut up. Go to your class. 56 कमेंट्स और वो भी 20 मिनट्स में। लुक एट दिस यार दिव्या, सबने कमेंट किया है। मैं भी कमेंट करती हूँ ऑन दिस एक्सेप्ट वन। ओके, नाउ आदि इज टेकिंग अ बाउ। ही इज सो क्यूट, इजंट ही वेरी एडोरेबल? तुझे इतना क्या पसंद है आदि में? आई मीन ही इज ओके, ही इज नॉट दैट ग्रेट। आर यू मैड? स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है वो, उसके वॉल पे रेगुलरली 100 लाइक्स और कमेंट्स होते हैं। And he's cute, yeah, come on, accept it. Hey, listen, उसने मेरे कमेंट पे रिप्लाई किया. He's written, it's a secret. See, I told you he's cute.
अच्छा मुझे फोन देना, मुझे भी लॉगिन करना है। क्या बोलो, प्लीज 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 कल ना तेरे बर्थडे पे आई एम गिविंग यू अ फोन, ट्रस्ट मी। अंकिता तुझे पता है ना मॉम कैसी है, कितनी ओल्ड फैशनड है। माय सिस्टर वाज नेवर अलाउड अ सेल फोन इन स्कूल। मुझसे मेरी बहन 4 साल बड़ी है लेकिन मेरी मॉम की नजरों में जमाना बदला ही नहीं है। शी जस्ट डजंट अंडरस्टैंड। आई हेट हर यार। इट्स ओके, यू कैन टेक माइन, आई लव यू। हैप्पी बर्थडे बच्चा। ओह माय गॉड मॉम, इसके अंदर क्या है? खोल के देख पगली। Mom? Oh my god! Mom? Wow, this is amazing! Thank you so much! The best gift ever! God bless you! अब इस पर बैठ के चैटिंग मत करना, ये तेरे स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए है, समझ गई? ओए, हैप्पी बर्थडे! थैंक यू सिसी! चल, लेट्स सी, खोल के देखें। It looks amazing! It is! दीदी, चैट कर लूं? No. क्यों, मेरा लैपटॉप है, करने दो ना। बर्थडे डोंट सी ना, सीक्रेट टॉकिंग। दिव्या के लिए लैपटॉप होना एक बड़ी बात थी, जहां उसे रोज अपनी फ्रेंड का फोन बोरो करना पड़ता था, वहीं अब ये लैपटॉप उसे मल्टीपल साइट्स पे कनेक्ट कर सकता था। इस लैपटॉप ने दिव्या की वर्चुअल सोशल लाइफ को अमेजिंग बना दिया। दिव्या, आदि ने तेरे वॉल पे कमेंट किया है। तो सबने किया। या बट आदि डिड इट। सो व्हाट्स द बिग डील? ऑफ कोर्स इट्स अ बिग डील। अंकिता, व्हाई डोंट यू जस्ट टेल हिम दैट यू लाइक हिम? आर यू क्रेजी? इट्स सो एंबैरेसिंग। इसमें एंबैरेसिंग की क्या बात है? तो उसको लाइक करती है तो जो बोलना चाहिए ना। पागल है क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलती। आई एम जस्ट स्केयर्ड यार। यू आर मैड। व्हाटएवर। हे दिव्या। आदि, what's up? Hi. Hi. Happy birthday. Thank you. ये मेरे लिए? Yes, of course. Oh, thank you. दिव्या, मुझे तुम्हें कुछ कहना था। मुझसे क्या कहना है? Remember उस दिन assembly में मैंने सबके सामने कहा था, all in Nizama brothers and sisters except one. Whatever, dude. Principal must have taken your case, ना? Worth it था देवस। I mean सच्ची तो कह रहा था मैं। सारे मेरे भाई बहन हैं, सिवाय तुम्हारे। What? बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें। तुम्हारी साइट पे लिखने के लिए 12 बजे तक जागा था मैं। I really like you, सच्ची। आदि, get lost, you're so sick। हे दिव्या, बिगड़ क्यों रही हो? I mean सच्ची तो कह रहा हूँ, दिल खोल के रख दिया मैंने तुम्हारे सामने अपना। तो वापस बंद कर लो, because I'm not interested। और ये सब तुम्हें अंकिता को जाके कहना चाहिए। अंकिता? Who the hell is she? I mean I like you। अंकिता is my BFF and she likes you। So? मैं तुम्हें like करता हूँ यार। I mean तुम्हारे सिवाय I don't even look at anybody। Adi, just leave me alone. I'm not interested. Or ye lo tumhara stupid gift. Aditya itni aasani se haar maanne walon mein nahi tha. He was stubborn. Divya ke itne clearly mana karne par bhi usne apne pyar ka izhar sabke samne kar diya on the net. दिव्या के इतने क्लियरली मना करने के बाद भी आदित्य ऐसी हरकत करेगा, ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शी वॉज शॉक्ड। शी न्यू दैट अंकिता वुड बी हर्ट, और सबसे ज्यादा उसे अपनी और अंकिता की फ्रेंडशिप की ही चिंता थी। अंकिता, I'm sorry. Just get lost. I'm really sorry. मत बोलना प्लीज। मेरी फ्रेंड है ना दिव्या। अंकिता, ऐसा मत बोल। उन्हें सबके सामने मेरी इंसल्ट किया। मैंने कुछ नहीं किया, उसने मुझे प्रपोज किया। और पूरे वर्ल्ड के बाद आई गेट टू नो कि ही प्रपोज टू यू। उसने मुझे प्रपोज किया लेकिन आई टोल्ड हिम नो। आई सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यू सेड यू आर नॉट इंटरेस्टेड? या, बिकॉज़ आई नो यू लाइक हिम एंड व्हाई वुड आई डू दिस टू यू? यू थिंक यू आर रियली कूल, हां? अंकिता, आई नो यू लाइक हिम और मैंने उसको कभी ऐसी नजरों से देखा ही नहीं है।
And why would I put a boy in front of our friendship, yeah? I mean, he's so immature. जो उसने वॉल पे लिखा, that is very immature. But isn't he the best guy of our school, Divya? होगा, but he's not my type. I like smart, intelligent, घंटों बात करने वाले guys. Mature types. Surely? Surely. मेरे को वैसे guys नहीं पसंद है जो असेंबली में जोकर की तरह jokes मारते हैं. तू रख आदि को तेरे पास. ए आदि के बारे में कुछ भी मत बोला प्लीज. ओके माय ड्रामा क्वीन. और कहाँ मिलेंगे तुझे वो तेरे स्मार्ट इंटेलिजेंट मैच्योर और क्या बोल रही थी घंटों बात करने वाले बोरिंग से लड़के. जब भी मिले गए तो मैं तुझे सबसे पहले बताऊंगी. ऑफ कोर्स. तो मेरी मदद करेगी ना ढूंढने में. नो प्लीज शट अप प्लीज. I love you. I love you too. And I'm so sorry to hurt you. It's okay. Hi Ankita, listen, I want to tell you something. Go on my friends list and check out this guy, Arjun Singh. He's a complete hottie man. What? Who? Which guy? You know, he studies in USA and he's from Delhi. I've like given all my hearts to him. He's so hot. But Divya, you don't even know him. मतलब तू उसे जान पहचान के बिना ही उसे बात कर रही है. क्यों? यार पुराना जमाना नहीं है. It's fine. अच्छा बंदा है. Shut up, Divya. It's not old fashioned. I just care about you. I mean, take care, yaar. You know, strangers, danger. Ankita, can you not be so boring all the time? Ab main tujhse kal baat karti hu, okay? Please. Bye. Good night. It was a new start for Divya. Usse ek naya dost mil gaya tha internet par, jiske saath baatein karna usse acha lagta tha. कैसा था लेक्चर? बहुत अच्छा था यार. मुझे तुझे कुछ बताना है. द होल नाइट आई वाज चैटिंग विद हिम. आई मीन ही वाज स्पीकिंग द होल नाइट एंड ही बंक्ड हिज कॉलेज एंड ही इज सो स्वीट. दिव्या, इतनी सी टाइम में तू इतनी पागल हो गई है? अरे मैं फुल पागल हो गई हूं. हाय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी. क्या है? कैन वी स्टेप असाइड प्लीज? तुमने जवाब नहीं दिया उस दिन की बात का. I was waiting. I told you, I'm not interested. पर क्यों? मेरी मर्जी, मुझे वैसे भी कोई और पसंद है. क्या? तुम झूठ बोल रही हो. Stop lying, okay? तुम्हारी ईगो हर्ट हो रही है क्या? Just stay away from me, Adi. तो उसे बोल क्यों नहीं देती that you like him? But what did he say? Just tell me. चल यार, चल. अरे तो बोल तो सही, हुआ क्या? Just forget it. Just say you like him. दीदी, आप यहाँ पर रहे हो तो क्या घर से बाहर जाकर पढूं? नहीं नहीं, वो मैं म्यूजिक लगा रही थी ना, बट आई विल शट द डोर. तोड़फोड़ म्यूजिक मत बजाना, ठीक है? ओके. हे अर्जुन, आई एम बैक. तुम्हारा वेबकैम ऑफ है? है दिव्या, वीडियो ऑन ही रहा है. बैड कनेक्शन शायद. ओ सैड. पर मैं तुम्हें देख सकता हूँ. वाओ, यू आर सो प्रिटी दिव्या.
really pretty. I wish मैं भी तुम्हें देख सकती. मैं तुम्हें देख रहा हूँ. तुम्हारी हिंदी भी US accent की जैसे होगी ना? Ah, have it, you know. I kinda like it. Chicks here are so boring. You keep saying that, पर तुम्हें कैसे पता मैं कैसी हूँ? दिख रही हो. Sweet as sugar. But I also want to see you. Yep, कल कैम फिक्स करवा लूंगा. Okay, done deal. Oh, shit. मेरी सिस्टर आ गई. I'll talk to you later. Okay, bye bye. See you soon. ऐसे ही दो हफ्ते तक अर्जुन और दिव्या एक दूसरे के साथ ऑनलाइन चैट्स पर बात करते रहे. उसे ये अमेरिकन कॉलेज स्टूडेंट बहुत अच्छा लगने लगा था. हर बात उसे बताती, उसके हार्ट में जो कुछ भी होता बोल देती, अपने सीक्रेट्स, अपने ड्रीम्स. उसे यूं लगने लगा कि यही लव है. अर्जुन ही उसके लिए परफेक्ट है. एक अनजाना अनदेखा लड़का जो उससे हजारों मील दूर रहता था, सडनली दिव्या के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. सिर्फ दो हफ्ते की दोस्ती में ही दिव्या ने अर्जुन को पब्लिकली अपना बॉयफ्रेंड डिक्लेयर कर दिया. ये न्यूज़ कुछ ही घंटों में पूरे स्कूल में फैल गई और ये सबका फेवरेट गॉसिप पॉइंट बन गया. दिव्या, तूने अपनी वॉल पे क्या लिखा है? सच्ची तो लिखा है. व्हाट रिलेशनशिप? कब? कैसे? अरे अंकिता, he likes me, I like him, so what's the problem? The problem is कि तू उसे कभी मिली नहीं है, ज़्यादा जानती भी नहीं है, और chat के basis पे he's your boyfriend. अंकिता, तू उसे कभी नहीं मिली है, you don't know him. He's like my best friend. I mean, वो तेरे बाद ही आता है. But दिव्या, but अंकिता, I really like him. I mean, I've never felt so much for a guy before, yeah. He's awesome, he's so amazing, he's very nice. Just stop it, दिव्या. तुझे समझ नहीं रहा है क्या? स्कूल में सब तेरे बारे में बातें कर रहे हैं. You think I'm really cool? But why are you shouting at me? Oh God, I am not shouting at you. It's just that I don't like people talking about you. Forget it. You will never get it. Divya, I love you and I care for you. इसलिए पूछ रहा हूँ. वो लड़का यूएस में कहा रहता है, किसी को पता नहीं, उसकी प्रोफाइल पे ज्यादा इन्फो भी नहीं है. मैं यहाँ जीता जागता कमिटेड लवर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम उस लूजर फिरंगी के लिए, I mean, अरे स्टॉप इट, स्टॉप बीइंग सो फिल्मी, ओके? आई लव अर्जुन. बचपना ये. अच्छा तो तुम जो कर रहे हो वो भी बचपना ही है. वो इंडिया में भी नहीं रहता है. ठीक है तो मैं चली जाऊंगी, वो आ जाएगा, वी विल मैनेज समथिंग. ओके, यू गो एंड प्रपोज अंकिता. आई डोंट वांट टू प्रपोज, शी इज अ लूजर, प्लीज स्टॉप पुटिंग हर ऑन मी ऑल द टाइम. सो देन जस्ट गो टू हेल. Hi. Why, baby? मेरे प्रिंसेस को सताया किसी ने? कुछ नहीं यार, just school stuff. Bad teacher? No यार, BFF problem. What prob? You know what? एक boy है school में. वो मेरे पीछे पड़ा है. And my best friend Ankita really likes him. Okay. Adi doesn't like Ankita. And I really feel bad for her. तो अब उसने अपने वॉल पे लिख दिया दैट ही लाइक्स मी और अंकिता को बहुत बुरा लगा. बट इट्स नॉट माय फॉल्ट और मैंने आदि को कहा भी था, यू नो, अंकिता के साथ जाओ, पी विद हर, पर ही जस्ट रिफ्यूजेस या और फिर अंकिता भी उसे कुछ नहीं कहती. पर तुम बोल दो उसे, हो सकता है शी इज स्कैर्ड, तुम उसकी बेस्टी हो, तुम कह दो आदि से.
मैंने उसको कितनी बारी बोला है, पर एनीवेज लीव इट यार, मैं उनका हेडेक अपने सिर पे क्यों लूं? ग्रेट, बाय द वे गुड न्यूज़ है। क्या? दिल्ली आ रहा हूँ फॉर अ वेडिंग, तो मैं वहां से दून आऊंगा तुमसे मिलने। आर यू सीरियस? सीरियसली ड्रीम कर रहा हूँ मैं अभी से कि हमारी फर्स्ट टॉक कैसी होगी, मैं तुमको कैसे हग करूंगा। ओ प्लीज जल्दी आओ ना। नेक्स्ट सैटरडे। ऑसम, मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा कि तुम आने वाले हो। बिलीव इट, और मैं जब आ जाऊंगा तो उस आदित्य को बोलूंगा स्टे अवे फ्रॉम माय गर्ल। हाउ क्यूट। आई लव योर लाफ। आई विल सी यू सून, टेक केयर। हेलो, आई एम सॉरी दिव्या, मैं आज तुझ पे कुछ ज्यादा ही भड़क गई ना। एक्चुअली इट्स जस्ट दैट मुझे तेरी टेंशन हो रही थी यार, बट नाउ इट्स ओके। I am happy for you. Trust me. Thank you, Ankita, for understanding me. See, listen. If you really like Arjun, no, to I accept it. Seriously. Matlab, you know, I really want to know about your guy. Tu mujhe bata na. After all, he's your boyfriend. Mujhe to sab pata hona chahiye na. Ankita, thanks, serious wala. Now I can talk about my boyfriend to my best friend. I really love him. And तेरे को पता है अर्जुन देहरादून आ रहा है मुझसे मिलने के लिए। Can you believe it? वो मुझसे इतना प्यार करता है। Shit, yeah, how romantic, so cute. Nice. Good to hear that, yeah. Ankita, तू ये सब छोड़, तू मुझसे lessons ले। तू भी आदि को बता दे। No, yeah. वैसे भी वो तुझे like करता है, मुझे नहीं बोलना उसे कुछ। अरे वो सब ऐवे ही है, तो उसको बता दे, उसको रियलाइज होगा तब। सच्ची? सच्ची मुच्ची। ओके, मैं तुझसे कल बात करती हूँ इसके बारे में, ठीक है? ओके, सी यू टुमारो। अंकिता, यू हैव नो आइडिया मैं कितनी नर्वस हूँ। माय हार्ट इज जस्ट अबाउट टू स्टॉप यार। काम डाउन, चिल। वैसे भी तेरा हार्ट बीट कराने वाला तो आ रहा है। अंकिता, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी, लाइक ऑलवेज, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। अरे अब सेंटी मत हो, वैसे भी यू गो हैव फन, और अपने बॉयफ्रेंड से जब मिल लेना तो हमसे भी मिलवाना। ओके फॉर श्योर, अभी सुन प्रॉक्सी देना मत भूलना प्लीज। या ओके, बाय बाय, टेक केयर। और फाइनली वो दिन आ ही गया जब दिव्या अर्जुन से मिलने वाली थी, द गाय ऑफ हर ड्रीम्स, एंड शी वाज रियली एक्साइटेड अबाउट इट। दिव्या घंटों तक अर्जुन का वेट करती रही, बट ही डिडंट टर्न अप। अंकिता, तुम मुझे पिक करने क्यों नहीं आई?
तूने मेरा फोन भी नहीं उठाया। क्यों? तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? Why don't you just ask him to pick you up? तू ऐसा क्यों बोल रही है? तुझे पता भी नहीं मेरे साथ कल क्या हुआ? Oh God, Divya, please spare me. मुझे जानना भी नहीं है तेरे साथ क्या हुआ। तू अपनी limits cross कर देगी? मुझे पता नहीं था दिव्या। I really don't believe you were my friend. But what is wrong with you? What's wrong with me? Look, what have you done to yourself? तू इतनी desperate कैसे हो सकती है? तूने इतनी गिरी हुई हरकत कर ली है। I'm really ashamed of you, Divya. तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? तुझे पता है कल क्या हुआ? अर्जुन आया ही नहीं। He didn't come to meet me. He ditched me. I was waiting for hours for him. Unbelievable! तू कितना झूठ बोलेगी? मतलब अपने चीप हरकतों को पब्लिक डिस्प्ले पे रखी, you still have the guts to come and lie to me? What? Go check your profile. You're a despo. Yeah. Yeah. So, I mean, that is the thing. Adi, can I please use your phone? Please. Why? You like reading your private acts again and again? Adi, please. Get lost. Yehi kaha tha na tune mujhe. Now you get lost. दिव्या, तुम कल एब्सेंट क्यों थी? बट मैम, गेट अ नोट और कल पेरेंट्स से साइन करा कर लाना कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई थी। यस मैम। ओके, अंकिता, तूने मेरी प्रॉक्सी नहीं दी। प्लीज, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? हाँ, तेरी डेस्पैक्स के लिए ना मैं कवर अप नहीं करने वाली, और कल को कोई टीचर ने सोशल नेटवर्किंग साइट पे पढ़ लिया ना तो मैं एक्सपेल नहीं होना चाहती हूँ। तूने तो अनाउंसमेंट कर रखी थी ना, आई एम गोइंग टू मीट माय बॉयफ्रेंड, सो आई शुड आई लाइ टू एवरीवन? बट ये सब झूठ है अंकिता, मुझे तो पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। प्लीज हाँ, जाके अपनी प्रोफाइल खोल के चेक कर, हर सेकंड में तेरे बारे में अपडेट्स आ रहे हैं। सबको पता है व्हाट डिड यू डू लास्ट नाइट? गॉड, दैट इज सो चीप दिव्या, यू जस्ट डिस्गस्ट मी। दिव्या समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा था। वो पहले से ही अर्जुन के ना आने की वजह से बहुत हर्ट हो चुकी थी, लेकिन जब उसने स्कूल में ये डिस्गस्टिंग कमेंट्स सुने देन शी वाज शॉक्ड, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अंकिता के बिहेवियर से वो और भी लोनली फील कर रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसके प्रोफाइल में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से एवरीबडीज रिएक्शन एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स हर हैड चेंज्ड ओवरनाइट। तेरी डेस्पैक्स के लिए ना मैं कवर अप नहीं करने वाली। सबको पता है व्हाट डिड यू डू लास्ट नाइट? गॉड, दैट इज सो चीप दिव्या। यू आर डेस्पो। Ha ha ha!
दिव्या एक साल पहले अपने घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। अंकिता, कुछ तो हुआ होगा। जो दिव्या अपना लैपटॉप तोड़कर घर से गायब हो गई, उसने तुमसे कुछ नहीं कहा? नहीं मैम, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। पहले वो मेरे फोन से अपना लॉगिन किया करती थी, लेकिन जब से उसके पास लैपटॉप आया था ना, तब से अपना प्रोफाइल वहीं से एक्सेस करती थी। और मैम, आदित्य दिव्या को बहुत हेल्प करता था, मगर दिव्या ने उसे मना कर दिया था। पर तब से उन दोनों में बहुत प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। That's all I know, ma'am. आदित्य, were you friends with दिव्या? No, ma'am. मैं उसे दोस्ती करना चाहता था, बट उसने मना कर दिया था। पर तुमने उसे सोशल नेटवर्किंग साइट पे प्रपोज किया था ना? Yes, ma'am. But she was already in love with some guy called Arjun Singh. हमने स्कूल में पूछताछ की थी। क्या आप किसी अर्जुन नाम के लड़के को जानते हो? नहीं तो, लेकिन ये अर्जुन है कौन? स्कूल में पूछताछ के बाद मालूम पड़ा कि अर्जुन दिव्या का बॉयफ्रेंड है। दिव्या का बॉयफ्रेंड? दिव्या का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसने हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। एनीवे, हम दिव्या के प्रोफाइल से अर्जुन का आईपी एड्रेस चेक कर लेंगे, और आप बेफिक्र रहिएगा, जल्दी सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। साइबर क्राइम सेल की मदद से उन्होंने अर्जुन के आईपी एड्रेस को ट्रेस किया, एंड दे रियलाइज दैट ये आईपी एड्रेस अमेरिका से नहीं, देहरादून से है। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि ये आईपी एड्रेस बिलोंग टू समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू दिव्या। Hated her. उसके साथ सब अच्छा हो रहा था और मेरे साथ सब बुरा। मेरे फोन पे अपना प्रोफाइल चेक करने वाली दिव्या आज वो सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। लोग उसकी प्रोफाइल चेक कर रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे, उससे बात करना चाहते थे। What about me? मैं जिस लड़के से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसके लिए कुछ भी कर सकती थी, वो भी दिव्या को लाइक करता था। और दिव्या मेरी फ्रेंड बनने की कोशिश करी थी ना, वो मेरी जैसे जैसे मुझ में कोई तरस खा रही है वो। I wanted to show her. Show her what is it to be humiliated in front of everyone. वो घर छोड़ के चली जाएगी, ये मुझे नहीं पता था। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये भी मुझे बिल्कुल पता नहीं था। दिव्या, तू जा भी आना, प्लीज जल्दी से घर आ जा, प्लीज। I'm very sorry, दिव्या, I'm really very sorry. तू प्लीज घर आ जा, दिव्या, प्लीज, come on, प्लीज, I'm sorry. अंकिता, जिसकी दोस्ती पर दिव्या को इतना भरोसा था, उसने अपनी पेटी जेलसी के लिए इतना बड़ा रिवेंज लिया। She repented it, of course, लेकिन गलती के एहसास होने से गलती के consequences तो नहीं बदलते। And using technology, voice changing software से आज कोई भी अपनी पहचान बदल सकता है। And that's how Ankita became Arjun, and Divya's best friend became her cyber bully.
साइबर बुलिंग मतलब इंटरनेट पे किसी को हरास करना, किसी को डिफेम करना, डीमोरलाइज करना, एंड इट इज़ अ क्राइम। पर अनफॉर्चुनेटली दिव्या इससे लड़ने के बजाय इसका विक्टिम बन के रह गई। अनजान लोगों से बात करने से पहले अपने कॉमन फ्रेंड से इंश्योर कर लें कि वो जेन्युइन है। प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी ब्लाइंडली। दिव्या की लाइफ बहुत प्रॉमिसिंग थी, एक लविंग फैमिली, अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स, अ गुड फ्यूचर, लेकिन एक इंसिडेंट ने उसके लिए सब कुछ बदल दिया एंड शी टुक अ ड्रास्टिक स्टेप। अगर वो अपने बुली से लड़ती, अगर उसे रिपोर्ट करती, तो हो सकता है कि आज वो अपने घर में सेफ होती। इसलिए अगर आप हरासमेंट के शिकार हैं, अगर आप बुलिंग फेस कर रहे हैं, देन प्लीज डोंट बैक डाउन, बिकॉज हेल्प इज नॉट फार अवे। टू नो मोर लॉग ऑन टू द डिटेल्स गिवन बिलो, एंड यस, थिंक बिफोर यू क्लिक।